Wow, I'm in love with it. It's a design you loved and couldn't have. ये वाला liner और मेलियाओ brand है. अलजन्नत mall cross करके यहाँ पर the peach color in it. I'm not sure if it's peach or rose gold. Keeps skin इतनी hydrated. देखते हैं कि reference design से कितना similar है. Shrink my pores before makeup. Time to show you the final look. ये organza के जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है ये वो है. बहुत आला coverage. Like it's literally worth it. और मैंने सोचा था कि मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की लूंगी लेकिन यू गिव देम अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस विद दैट इन माइंड कि ये तो वो वाला डिजाइनर सच है सो दैट्स नॉट द केस इसमें जितने कलर्स हैं सारे दिखा दे ओके स्क्रैच करने के बाद जब मैंने इसको वेबसाइट पे डाला पहले हाफ कोड एंटर किया तो हाउ क्यूट आर दीस टोर नेल्स लव दीस हाई क्वालिटी इंस्टेंट पेडिक्योर नेल्स नहीं एक लैशेस है जो मैंने ऑनलाइन देखी है जिसमें जो बेस है वो भी मैग्नेटिक होती है ऊपर से लैश फॉरन चिपक जाती है हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू हन्नाज ब्रांड्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एज यू ऑल वर वेटिंग फॉर द ड्रेस जो कि दर्जीज ने स्टिच करके मुझे वापस करना था सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी ऑल ऑफ योर रिस्पॉन्स यू पीपल लव्ड इट एंड शोड मच ऑफ लव थैंक यू सो मच फॉर दैट डोंट वरी आई विल कीप मेकिंग सच व्लॉग्स Darzees.pk have just sent me back my parcel. It's 11:30 in the morning और मुझे अभी बाइकिया के थ्रू ये रिसीव हुआ है इट इज़ द फोर्थ डे टू द पार्सल आई सेंट देम जब मैंने उनको अपना फैब्रिक अनस्टिच फैब्रिक सेंड किया था वो चार दिन पहले किया था यार बेल बजिए कोई आया है सो अभी हम मिल के अनबॉक्स करते हैं लेट्स डू इट टुगेदर आ जाए उससे पहले आपको मैं जूतों की शॉप पे भी लेके जा सकती हूँ सो आप डिसाइड करें आपने पहले जूते देखने हैं या फिर ड्रेस देखना है आई नो यू कैंट वेट फॉर इट एज आई कुडंट वेट यू नो वील नॉट जस्ट ओनली अनबॉक्स इट बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू वेयर इट इन अ वाइल मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि मुझे ये ड्रेस पहन के कैसा लग रहा है इसकी फिटिंग कैसी है एंड हाउ डिड दिस स्टिच इट सो डोंट मिस दैट रिव्यू एंड हियर कम्स द ड्रेस चलें अब खोल के देखते हैं कि रेफरेंस डिजाइन से कितना सिमिलर है क्या दर्जीज हमारे डिजाइन को कॉपी कर पाए या नहीं लेट्स सी फर्स्ट लुक में तो सही लग रहा है खोल के देखते हैं दैट्स दुपट्टा ट्राउजर स्लीव्स एंड बॉर्डर तो आई थिंक जैसे बताया था वैसे ही है लेट्स रिव्यू द होल डिजाइन अच्छा खोलते ही पहली नज़र मेरी इस चौक पे पड़ी ये जो टेलर का चौक है ये सामने नज़र आ रहा है आई थिंक इट शुड नॉट बाकी अभी ये प्रेस्ड भी नहीं है आई थिंक उन्होंने तो प्रेस करके डिस्पैच किया है लेकिन ये फैब्रिक ऐसा है ये फॉरन अनप्रेस होने वाला फैब्रिक है यहाँ स्लीव्स भी मुझे इतनी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही लेकिन प्रेस करके देखते हैं कि कैसी फिटिंग्स आती हैं बॉर्डर्स आर फाइन और दुपट्टे की जो एजिंग है दैट्स वेरी नीट नाउ लेट्स ट्राई द ड्रेस एंड आई विल गेट रेडी इन अ वाइल फर्स्टली यूजिंग दिस मिरेकल जेल फेस आइस मास्क टू काम डाउन माय स्किन एंड गेट रिड ऑफ पफी आईज आल्सो टू श्रिंक माय पोर्स बिफोर मेकअप वेरी बेनिफिशियल इफ यू हैव साइनस और सफर्स फ्रॉम माइग्रेन उसके बाद जस्ट टुक शावर एंड देन अप्लाई दिस कीवी फेस मास्क It's such a wonderful mask. Like इसके बाद बेस अप्लाई करने में आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड रहती है Highly recommended. But depends on your skin. So I prefer a face wash first and then apply on full face. In next 15 minutes, I'm also done with my blow dry. So अब कपड़े प्रेस करके मेकअप करूँगी and then I'll be ready. अच्छा आई आपको सिर्फ ड्रेस अनपैक करके दिखाया था उसके साथ ही एक और पैकेट भी है जिसमें मेरा सैम्पल साइज और यू कैन सी ये रेफरेंस डिज़ाइन है ये ऑर्गेन्जा के जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है ये वो है और ये दुपट्टे के साथ का कपड़ा बचा हुआ है दिस इज द ट्राउजर दीज आर द बटन्स And now I'm done with the makeup, so time to show you the final look. And here it is. Wow, I'm in love with it. It's exactly like I wanted. Can't really tell you how good it feels to wear your own design.
No. In fact, wearing a self-stitched copy of the design you loved and couldn't have is the best feeling in the world. But unfortunately, I couldn't complete it in my challenge price, that was 8,000. But still, I got the dress I really wanted. So here, you will have to rate my today's look in the comment section so that I would get to know if the look is justified or not. चले जी, अपने फेवरेट सेल्फ स्टिच ड्रेस में मैंने सारी कैटवॉक करके आपको बैठ के भी ये सारा डिजाइन दिखा दिया दैट इट्स कंफर्टेबल टू वेयर. नाउ कम्स द पार्ट वेयर आई हैव पेयर टू मोर दुबट्टास फ्रॉम माय वार्डरोब विद दिस ड्रेस. वन इज दिस सिल्क दुबट्टा इन ग्रे कलर एंड द अदर इज दिस कॉटन नेट फ्लोरल दुबट्टा व्हिच आल्सो लुक्स रियली प्रिटी. सो राइट नाउ, अच्छा अभी मैं जूतों की उस दुकान पर आई हूँ, उस स्टॉल पर जा रही हूँ जिसके जूते मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाए थे और आपको बहुत पसंद आए थे. सो दिस इज कमर्शियल मार्केट राइट नाउ. अभी मैं आपको दिखाती हूँ जाते हुए, जस्ट स्टे विद मी. ओके, आ जाए प्लीज. कम. सो ये कमर्शियल मार्केट मैं अलजन्नत के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ. अभी हम अलजन्नत से अंदर टर्न करेंगे जो कि दुबट्टा सेंटर आता है जन्नत से बिल्कुल साथ, और दुबट्टा सेंटर से आगे ही ये स्टॉल है. अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ. एक सो अलजन्नत मॉल से अंदर आ रही हूँ सामने. ठीक है, अलजन्नत मॉल क्रॉस करके यहाँ पर फैंसी बैंगल शॉप है. Okay, here it is. Let me show you. तो ये वो शॉप है जिससे लास्ट टाइम मैंने ये वाले जूते लिए थे जो व्लॉग में दिखाए थे एंड यू ऑल लव दीज. सो मैं आपको इनकी बाकी वैरायटी दिखाने आई हूँ. लेट्स चेक इट आउट हियर. अच्छा, ये जो सिल्वर और शैम्पेन कलर है, ये दोनों कलर्स मैंने इसी स्टॉल से लिए थे जो सामने आपको नजर आ रहा है, लेकिन मुझे अभी इन्होंने बताया कि दे हैव अ शॉप डाउनस्टेयर्स, सो वहां पे मुझे वैरायटी दिखाएंगे. लेट्स गो देयर. आपसे मैं पहले जूते लेके गई थी, यहाँ कोई बंदा नहीं लेके गया. अच्छा, मैं आपसे लेके गई थी ना, आप आ जाओ. अच्छा, ये मैं आपसे जूते लेके गई थी और वो मैंने अपने व्लॉग में दिखाए, मेरे फॉलोवर्स को काफी पसंद आए. सो आप मुझे थोड़ा सा दिखा दें कि वो वाली वैरायटी कहाँ है जो आपने मुझे ऊपर बाहर स्टॉल पे दी थी. वो ये चीज है, मैंने अभी तक उसके अलावा मुझे एक ये दिखा दें, इसकी प्राइस क्या 1200 है? कोई लेस नहीं करेंगे मेरे फॉलोअर्स के लिए? ये वैसे शॉप पे इसी शॉप का शूज है. ये क्या साइज है? एक्चुअली मैंने अभी तक इस ड्रेस के साथ भी जूता नहीं लिया, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ही ले लूंगी. ये मैंने अपनी वार्डरोब में से पेयर किया जो मुझे सही लगा. ये कितना प्यारा लग रहा है, लव इट. इसमें सिल्वर के अलावा ग्रे, रोज गोल्ड एंड गोल्ड भी है. These are really cool, literally. But I'm not sure how reliable are these.
लव दिस डिजाइन, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग द पीच कलर इन इट. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स पीच और रोज गोल्ड, बट इट्स रियली नाइस. हाउ अबाउट दीज रोज गोल्ड हील्स? नो, दे आर नॉट दैट फाइन इन क्वालिटी. I tried negotiating the price, but उन्होंने यहाँ पे इशारा किया कि सामने लिखा हुआ इट्स फिक्स्ड प्राइस, सो नो आर्ग्यूमेंट्स. इनमें ये सारे कलर्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं. इवन आई रियली थॉट टू गेट ऑरेंज या फिर येलो, और परसों मेरा साइज था, पर आज आई हूँ तो साइजेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं. इनके पास हर दूसरे दिन नया डिज़ाइन होता है, लाइक सम डिज़ाइन आर रियली वर्थ इट. इसमें पीच के अलावा सिर्फ मरून में साइज मिला है, बट आई होप आपने मेरे पाँव बहुत गौर से ना देखे हों, क्योंकि मुझे सुबह याद नहीं रहा. मैं पेडीक्योर कर लेती आप लोगों के साथ मिलके, जब तैयार हो ही रही थी तो, बट आई टोटली फॉरगॉट. अब मैं जा रही हूँ उस मेकअप शॉप पे जहाँ पे मुझे कुछ बेहतर ब्रांड्स नज़र आए थे. O2O एक ब्रांड है जो कि आजकल काफ़ी फेमस है. उसकी कुछ प्रोडक्ट्स हम चेक करते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं, एंड इज़ इट वर्थ इट और नॉट. अच्छा, सबसे पहले ना मुझे एक लाइनर चाहिए जिसमें विंग हो, लाइक मुझे उसमें एफर्ट ना पुट इन करनी पड़े. मेरे पास एक सैफायर का है, लेकिन वो उस पर थोड़ा सा ना, लाइक उसकी निब जो है वो थोड़ी बेंड हो जाती है, तो क्या ऐसी स्टैम्प है? जी जी बिल्कुल है, ये आपने देखा होगा आजकल ऑटो, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा इन है. इसके एक साइड पे विंग है जिसको मतलब आपको इजीली अप्लाई हो जाता है, आपका लेयर अच्छा बन जाता है, और दूसरा जो इसकी बारीक टिप है. ठीक है, ये इसकी स्टैम्प है. अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? मैम ये आपको 750 में मिल जाएगा. इसको ऑफिशियल पेज पे प्राइसेस जाना आपको उतनी मिलेगी. उतनी प्राइसेस दे रहे हैं? अच्छा, हाउ कैन आई बी श्योर कि ये आपके पास ओरिजिनल है? मैम आप इसके ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हैं, जो इसका बारकोड होता है ना. अच्छा, ये आपको अपने आसपास गूगल पे आपको स्कैन कर सकते हैं. ठीक है, दिखाएं इस पे कहां है बारकोड. जी मैम इसका बारकोड नहीं, ये वाला स्क्रैच करने से ये भी स्क्रैच भी कर सकते हैं इसको. ओके, स्क्रैच करने के बाद जब मैंने इसको वेबसाइट पे डाला, पहले हाफ कोड एंटर किया तो उसने कहा कि ये प्रोडक्ट फेक है, सो डोंट गो फॉर इट. बट जब मैंने पूरा कोड, दोनों लाइंस में जो डिजिट्स हैं, ये सारे डिजिट्स डाले, तो इट सेड दैट इट्स ओरिजिनल. अच्छा, और मैम इसकी सबसे मजे की बात यह है कि जो ये ऑटो का सेटिंग स्प्रे ना, बाकी सेटिंग स्प्रे लाइक वाटर बेस्ड होते हैं, जैसे आपका रोज वाटर स्प्रे होता है, ये प्रॉपर गैस फॉर्म है. जैसे कि आप ये देखिए, देख सकते हैं ये प्रॉपर गैस फॉर्म है. देखिए ये आपको प्रॉपर गैस नजर आएगी. अच्छा, ये क्या है? ये सेट्स टू जी जी सेट्स हैं, ये परफ्यूम सेट है बेसिकली. जी मास्टर कॉपी है. अच्छा, मैं आपके पास आई थी, मिस रोज का आपके पास पड़ा हुआ था 10th, मैंने लास्ट टाइम देखा था. जी जी जी, तो है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा आपके लिए. और मैम इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ना प्रोफेशनल यूज़ के लिए बनाया गया है. इसकी जो निब है ना, वो उन्होंने बहुत लाइट बारीक दी है, मतलब आपका विंग अगर हल्का सा भी आगे पीछे हुआ है तो वो आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. इसको आप अप्लाई भी करके देख सकते हैं कि ये बहुत बारीक है, जिस तरह चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. और ये जेट ब्लैक होता है, 100% वाटर प्रूफ होता है, ये ड्राई हो जाएगा, ये स्मर्ज नहीं होगा. दिस लाइनर इज सुपर सुपर अमेजिंग, बहुत आला कवरेज, लाइक इट्स लिटरली वर्थ इट, एंड द प्राइस इज इकोनॉमिकल एज वेल. जी इसकी 6 मंथ्स की वारंटी है, ये गारंटी क्लेम कंपनी करती है. 6 मंथ्स की वारंटी, कंपनी का नाम क्या था? ये सीवीबी, ये मिस रोज की तरह का एक चाइनीज ब्रांड है, जो मतलब वो अपने मुल्क के लिए बनाता है. तो लेकिन है ये मतलब बाकी मुल्कों में भी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, दुबई. अच्छा, रिवाज के लिप शेड्स हैं आपके पास? जी, रिवाज के 7 नंबर है, जिसकी वाइट कलर की ऊपर से पैकिंग है. जी, उसकी शाइन वाली होती है, जो मिल जाएगी मैं आपको दिखा दूँ.
लिपस्टिक नहीं मुझे चाहिए, मुझे इसका ग्लॉस चाहिए जिसका शॉर्ट है, कुछ कलर इसके हैं जो अवेलेबल थे तो वो भी हमने वाइंड अप कर दिए, वो ईद के बाद इंशाल्लाह डिलीवरी। आप देखेंगे ये बेस इसकी सबसे मिलने की बात है थोड़ी ड्यूई है, मतलब बहुत ज्यादा आपको जैसे ड्राई कर देते हैं, मतलब आपका मेकअप पूरा ग्लोई रखता है, जिसका मैं आपको कहते हैं आपको चेक करवा देता हूं। आप मुझे दे दे जी मैम। ये क्या ब्रांड है? मैं ले आऊं जी इसकी जो सबसे खास बात है, एक तो ये ड्यूई है, मतलब आपके मेकअप को थोड़ा ग्लो देता है। इसकी जो स्किन के साथ ब्लेंडिंग है ना, वो देखें मैम आप कितनी नाइस है ये, मतलब आपको जब आप अप्लाई करते हैं, कोई भी जो रेगुलर यूजर होता है, जो मतलब मेकअप को समझने वाला होता है, वो उसको फौरन अडॉप्ट कर लेता है कि ये चीज़ जो है आपने बहुत रीजनेबल में मिल गई है और अच्छी चीज़ मिल गई है। जी इसकी ये कर दीजिए। इसमें चार कलर टोन आते हैं, 1, 2, 3 और 4, वो आपके मतलब जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं उसके कलर टोन के मुताबिक। अच्छा ये कितने, इसकी प्राइस क्या थी? इसकी प्राइस है 1250 रुपये। डिस्काउंट के साथ 1250 रुपये। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि किस चीज़ों पे ना बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन कमाने की कोशिश करते हैं, कॉस्मेटिक्स पे आपको पता रिटेल प्रिंट नहीं होती है, तो हमारा वो काम नहीं है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पेज भी आपको हमने बताया था। नहीं नहीं मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि 1500 से कम बेस होती ही नहीं है, मतलब दिस आईब्रो पेंसिल इज रियली गुड, इसका ब्रश बहुत अच्छा है। ये सेम प्रोडक्ट मैंने 1 pound स्टोर पे भी देखी थी, यूरो स्टोर था या 1 pound स्टोर था आई गेस। बाय द वे स्किन के लिए मैं रिस्क नहीं लेती यूजुअली, और मैंने कभी नॉन ब्रांडेड फाउंडेशन यूज़ नहीं की इससे पहले, बट आई रियली नीडेड अ बेस और मैंने सोचा था कि मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की लूँगी, लेकिन मुझे लाइक यू नो ऑनलाइन ऐसे ट्रस्ट नहीं होता, शेड समझ में नहीं आता, सो आई जस्ट लव दिस वन। I'll try this and I hope कि ये अच्छी होगी क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अमेजिंग है, लाइक लिटरली आई एम इम्प्रेस्ड। और इसका जो टेक्सचर है ना, वो आप देखेंगे बहुत लाइट होगा, बहुत हाई पिगमेंटेड नहीं है, और ये 3-in-1 है, ये आप लिप शेड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आई शेड के तौर पे भी, और लाइक ब्लश होगा, ये पिक मी 3-in-1 कहलाता है। ठीक है ओके, ये हो गया नंबर 5। ठीक है अगला आ गया नंबर 3। अच्छा आई वॉज थिंकिंग टू ऑर्डर इट ऑनलाइन, लेकिन मुझे अभी इसकी बिल्कुल पिगमेंटेशन समझ में नहीं आई, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। आई थिंक दिस इज़ बेटर बिकॉज मेरे पास जो मिस रोज़ का टेंट मैं यूज़ करती हूँ उसके साथ मुझे ऊपर एक पाउडर ब्लश चाहिए होता है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली पाउडर, लाइक इट्स वेरी सॉफ्ट, सो आई लाइक इट, आई थिंक आई एम गेटिंग इट। एक आप मुझे दे रहे हैं ये वाला O2 का ब्लश, ये वाला मस्कारा, सॉरी लाइनर, ये वाला लाइनर, और मैं ले आओ ब्रांड है, मैं ले आओ की बेस राइट, और मिस रोज का टिंट वो मुझे चाहिए आपसे, ठीक है आप देखा आप मंगवा सकते हैं राइट, इसमें एक ही शेड। ये देखो इसका हम प्रॉपर आपको बिल बना के देंगे, कोई भी प्रोडक्ट में हमारी मेकअप की जब आप लेके जाते हैं उसका आपको बकायदा बिल देते हैं, उसके साथ आप कोई भी चीज़ लेके जाते हैं बिल नहीं मिला। जी आपको अभी आप देने वाले जी।
कोई भी चीज़ आप लेके जाते हैं वो एक्सचेंजेबल भी है और वो रिटर्नेबल भी है और भी हर कस्टमर के लिए। देखिए कोई चीज़ अगर आपको सूट नहीं कर रही है या समझ में नहीं आ रही है उसको सेल करने का मकसद ठीक है। चले आप बिल दे दें। ये देखिए ये हमारा प्रॉपर बिल होता है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लेके जाते हैं वो साथ ऐड है और कोई भी चीज़ आप चेंज करवाना चाहें वो आप चेंज भी करवा सकते हैं, रिटर्न भी करवा सकते हैं। How cute are these toenails? Love these high quality instant pedicure nails. घर जाके मैं apply करके आपको लाजमी दिखाऊंगी because I can't even wait to try these. So cute. आपको याद है हमने इससे पहले एक turnout वाले vlog में इसी shop से nail stickers लिए थे। अच्छा लास्ट थिंग मुझे बताएं मैग्नेटिक लैशेस हैं आपके पास? जी मैम, आज का जो ट्रेंडिंग में ग्लू आईलाइनर के साथ जो मैग्नेटिक लैशेस के लिए थे इसकी लैशेस होती हैं, इसमें 5 पेयर ऑफ लैशेस होते हैं, इसका एप्लीकेटर होता है और ये ग्लू ये मैग्नेटिक है जी। असल में मैग्नेटिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, मैग्नेट सिर्फ इसका होता है कि आपकी लैश सेफ रहेगी, तो बाकी ये लगता है आम आईलाइनर की तरह ही है। जैसे ब्लू लाइन ये जो आईलाइनर है ना, यू मीन कि ये मैग्नेटिक नहीं है? जी इसमें मैग्नेटिक सिर्फ यही है कि ये आप जब यूज करेंगे उसके बाद आपको उसके साथ जब वापस अटैच करेंगे तो वो आपके मैग्नेट की वजह से रीयूज हो जाएंगे, बस बाकी इसका मैग्नेट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो स्कैम है जी। जी लोग ऐसे ही कहते हैं कि मतलब इसमें कोई मैग्नेट, हां ये वापस तो जोड़ रही है, मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो नीचे वाला ये आंख पे लगा के फिर वो चिपक जाती है ना? जी जी चिपक जाएगी वो, लेकिन उसी ग्लू की वजह से चिपक रही है, मैग्नेट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं एक लैशेस हैं जो मैंने ऑनलाइन देखी हैं जिसमें जो बेस है वो भी मैग्नेटिक होती है, ऊपर से लैश फॉरन चिपक जाती है, वो नहीं है वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैंने ये ऑनलाइन देखा है ना। जी 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 ये कितने रुपए का है? ये मैम 1000 का आपको मिलेगा। इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जो हमारे ऊपर करें, जो लोग जितना टाइम पे स्टेटस भी देख सकते हैं हमारे, जो सबसे ऊपर वाला नंबर है उसके ऊपर हम रेगुलर स्टेटस अपलोड करते हैं जिसकी हमारी डेट्स भी आती है, और आप हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप टाइप करेंगे jd.cosmetics.store तो हमारा पेज आ जाएगा। आप कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, और मैम जो हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कस्टमर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि कोई भी ऑर्डर उनको इमरजेंसी में चाहिए वो आपको आप हमें इजी पैसे जैस के ऐसे पेमेंट कर सकते हैं और बाइक के थ्रू उसी टाइम आप मंगवा सकते हैं, 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपके डोर स्टेप पे आ जाती है प्रोडक्ट जो भी आप चाहें। अच्छा काफ़ी थकावट हो गई थी और खाना खा के मैं सो गई थी, नाउ आई एम बैक टू रिव्यू दर्जीज और टीकेस स्टिच। सो मैंने जैसे ही आपको लास्ट ब्लॉग में जब सारा ये फैब्रिक दिखाया वहीं पे उसको साइड पे रख के सुबह मैंने बाय किया करके डिस्पैच कर दिया ठीक है, और जब उनकी टीम ने रिसीव किया सो दे कॉल्ड मी, दे फर्स्टली आस्क्ड मी कि आप किस टाइम फ्री हैं, हम आपको वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू आपसे डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट, आप इसमें चाहती क्या है, क्योंकि साइज़ तो मैंने उनको साथ दे दिया था लेकिन डिज़ाइन की जो सारी अंडरस्टैंडिंग थी लाइक आई कैन शो यू इन द पिक्चर, जैसे ये बाजू का जो डिज़ाइन था मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये जो दुपट्टे के साथ से जो फैब्रिक निकलेगा वो इतना यहाँ पे आ जाए तो कैसा लगेगा, उसके बाद लेस कहाँ रखनी है, कौन सी लेस किधर आएगी, कौन सा पैनल कहाँ आएगा, सो दैट वॉज ऑल डिस्कस्ड ऑन व्हाट्सएप। लोकल टेलर्स आपको साथ साथ स्टेप अगर मैं किसी भी टाइम पूछूँ कि यू नो आप मुझे दिखा दें कि अभी तक कितना बना है और उसमें क्या पैनल जो मैंने ऑर्गेन्जा का पैच दिया था उसकी क्या इंचेस आए, तो शी टोल्ड मी एवरीथिंग, द लेडी हु वाज डीलिंग विद मी शी टोल्ड मी एवरीथिंग व्हेनेवर आई आस्क्ड, सो दैट वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि नॉर्मली जो टेलर्स हैं वो ब्लंडर कर चुके होते हैं और फिर जब आप जाके उनसे लेते हैं तो वो कहते हैं कि बाजी अब तो ये ठीक होने में, हमारे पास तो ईद का सारा स्टॉक है तो अब तो आप ईद के बाद आइएगा, सो दे डोंट ऑल्टर इट यू नो। That was one thing that I would rate high, like that's very nice of Derzies or TK and they did it timely. The second thing that I would rate high, like 4 days ke andar they delivered it back, that was very nice of them.
अच्छा नाउ कम्स द कैटेगरीज जो मेरे पास ऑप्शन थी टेलर्स की राइट आई विल कैटेगराइज द थ्री ऑप्शन दैट आई हैड द फर्स्ट इज मेरे पास एक जो सबसे नॉमिनल या लीस्ट कैटेगरी आएगी टेलर की दैट इज द वन जिसमें मुझे पता है कि ये ब्लंडर होगा लाइक मैंने जो देना है उसने अपने नाप का सीना है मेरे नाप का नहीं सीना और जो डिज़ाइन बता रही हूँ वो तो उल्टा ही होना है राइट दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी जो कि नॉर्मल रेट है बहुत नॉर्मल रेट लाइक उसके चार्जेस कम है इसलिए मैंने जब रिस्क लेना हो मुझे पता है कि मेरा ड्रेस भी इतना महंगा नहीं है और चलो ठीक है रिस्क ले लेती हूँ सीधे जो सीना है सो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी विच आई हैड आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस राइट ओके द अदर कैटेगरी जो कि एक अच्छा सफाई से सीने वाला टेलर है लाइक उसके हाथ में काफ़ी सिलाई सफाई है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर है लाइक आई एक्सपेक्ट कि मैं इसको जो बताऊंगी वो बेहतर सिएगा इवन जिस टेलर की मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ द वन जिसने मेरी मामा के स्कूल का यूनिफॉर्म भी सिया हुआ है लाइक यू कैन से कि मतलब 40-50 साल से वी नो उनके फादर भी जब होते थे तो तब से ही स्टिचिंग आर क्लोथ्स राइट तो आपको पता होता है कि इस टेलर ने कितनी कैपेसिटी है ब्लंडर करने की या जो देंगे उसमें क्या पॉसिबल ब्लंडर्स आएंगे सो अगर वो मुझसे एक नॉर्मल रेट लेते हैं नॉर्मल चार्जेस लेते हैं विद एलिमेंट्स विद लेसेस विद पैनल्स विद ऑर्गेन्जा की बॉर्डर में अगर मैं एजिंग दे रही हूँ कुछ भी दे रही हूँ सो आई नो कि उसका जो रेट है दैट इज़ जस्टिफाइड राइट क्योंकि उनको जब मैं कोई भी ड्रेस दे रही हूँ उससे पहले ही मुझे पता है कि हाँ एटलीस्ट यू नो जो मैं दे रही हूँ आई एक्सपेक्ट कि यही चलेगा सो दैट वॉज द सेकेंड कैटेगरी आई हैड नाउ द थर्ड कैटेगरी कम्स जिसमें आई नो कि जो डिज़ाइनर स्टिचिंग है वो बहुत कॉस्टली है लाइक आई कैंट अफोर्ड इट दैट इज़ टू मच तो आई वुड गो फॉर इट व्हेन आई हैव अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस राइट और उसकी स्टिचिंग इतनी है जितनी मैं नॉर्मली एक हम एक लॉन का नॉर्मल एक अच्छा एम्बेलिश ड्रेस लेते हैं इतना तो वो मुझसे स्टिचिंग ले लेते हैं लेकिन आई एम सो श्योर अबाउट इट कि ये जो स्टिच है ना इट इज़ वर्थ इट लाइक वर्थ ईच एंड एवरी पेनी दैट आई एम गिविंग राइट सो वहाँ पे मुझे पता है कि ये जो पैसे हैं ये जस्टिफाइड हैं और मैं जो दे रही हूँ उससे बेहतर मतलब जो मैंने सोचा उससे बेहतर ही स्टिच मुझे मिलेगा एंड दैट विल बी एक्चुअल डिज़ाइनर स्टिच सो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट ये सारा बताने का मकसद ये था कि जो दर्जी डॉट टीके ने अपनी क्लासिफिकेशन की हुई थी डिज़ाइनर स्टिच की राइट आई एक्सपेक्टेड कि ये वो वाला डिज़ाइनर स्टिच है जो मैंने अभी लास्ट कैटेगरी बताई डिज़ाइनर स्टिच वाली बिकॉज मेरे माइंड में यही परसेप्शन था कि इट विल बी एन आउट क्लास लाइक स्टिच यू नो कि अ वेरी फाइन एंड अप टू द मार्क लाइक जो मैंने सोचा भी नहीं उससे भी बेहतर डिज़ाइन बन जाएगा खैर ऐसा नहीं था इट वॉज गुड जैसा मैंने डिज़ाइन दिया उन्होंने एटलीस्ट वैसा बनाया द बेस्ट पार्ट वॉज कि मुझे कन्वीनियंटली उनको व्हाट्सएप पे जो भी ने समझाया उन्होंने हर चीज़ अंडरस्टैंड करने के बाद मुझसे सारी कन्फर्मेशन करने के बाद हर चीज़ नोट डाउन थी मैंने बाइकिया से अपना डिस्पैच करने से पहले हर चीज़ का प्रूफ अपने साथ पास रखा कि कितने मीटर्स का कौन सा कपड़ा है जो मैं दे रही हूँ एंड द बेस्ट पार्ट कि जब उन्होंने वापस किया मुझे ड्रेस तो उसके साथ जितना बचा हुआ कपड़ा था उन्होंने वो सारा वापस किया इवन बटन्स एवरीथिंग आई शोड यू अर्लियर लेकिन स्टिच की जो कैटेगरी है वो आई वुड रेट द सेकेंड कैटेगरी विच आई डिस्कस्ड जो कि एक नॉर्मल आजकल जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मुझे चार्ज कर रहा है और एक अच्छा फाइन स्टिच है जो कि मुझे लगता है कि मैं जैसा बता रही हूँ वैसा ही स्टिच करेगा बट आई वॉन्ट कॉल इट अ डिज़ाइनर स्टिच क्योंकि डिज़ाइनर स्टिच में मेरे परसेप्शन और मेरे माइंड में बहुत आउट क्लास लाइक लेकिन वो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव यू नो मैं यही कंपेरिजन ड्रॉ कर रही हूँ कि दर्जी डॉट पी के जो डिज़ाइनर स्टिच पे लाइक आपसे आपको चार्ज कर रहा है वो नॉर्मली आजकल मार्केट में हर कोई वही चार्ज कर रहा है सो इफ़ यू गिव देम अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस विद दैट इन माइंड कि ये तो वो वाला डिज़ाइनर स्टिच है सो दैट्स नॉट द केस इट इज़ गुड वट आई गिव आई गॉट एग्जैक्टली लाइक आई वॉन्टेड थोड़ी सी एक दो चीज़ें थी जो कि मैंने आपको दिखाई भी हैं लाइक आई वुड से इट्स अ नॉर्मल टेलर एक्सपीरियंस जो मेरे लिए कन्वीनियंट इसलिए था क्योंकि मुझे टेलर के पास जाके उसकी शॉप पे इतने घंटे मगजमारी करने के बाद उसको समझाने के बाद भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मैंने क्या दिया उसने एक पर्ची पे नोट डाउन किया होता वो बाद में गायब कर देता है सो इट वॉज अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस एंड अ वेरी कोऑपरेटिव इवन आफ्टर डिस्पैचिंग द ड्रेस लाइक व्हेन दे सेंट मी बैक
दे स्टिल गिव मी द ऑप्शन कि अगर किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन है, किसी भी किस्म का मुझे इशू है, तो आई कैन सेंड देम बैक एंड दे कैन ऑल्टर इट फॉर मी. सो दैट वॉज द बेस्ट थिंग. यूजली टेलर्स जो है, इवन देखें ईद करीब है, अगर मैं अपने टेलर को अभी जाके ये कहूँ कि मास्टर साहब आपने जो सिया है ना, इसमें थोड़े से इशूज हैं एंड आई वॉन्ट सम ऑल्ट्रेशंस, तो वो कहेंगे बीबी ईद के 10 दिन बाद ही आप नज़र ना आइएगा क्योंकि आई एम ऑल पैक, ही वॉन्ट ऑल्टर एनी थिंग फॉर मी. एंड इवन यू नो लास्ट आई थिंक 2 weeks बैक जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी टेलर बताया, उससे मैंने एक ड्रेस स्टिच कराया जो कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम वीडियोज़ में दिखाया था, स्टोरीज में दिखाया था, वो अंगरखा था और जो लेस मैंने दी थी वो उन्होंने उल्टी लगा दी. राइट, चूंकि वो इतना एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं था, इट वाज अ ड्रेस इन वेरी नॉमिनल कॉस्ट, सो आई डिडंट माइंड गिविंग इट टू हिम, तो उन्होंने वो लेस उल्टी लगा दी. जब मैं उनके पास वापस गई और मैंने कहा अंकल जी मैं पहन ही नहीं सकती, आपने लेस उल्टी लगा दी, एंड ही वॉज लाइक ओहो मुझे पता नहीं था कि, मुझे याद नहीं रहा था कि ये आपका है, आप तो हर चीज़ बहुत प्रॉपर चाहिए होती है. मैंने कहा नो इट्स नॉट द केस, लेस उल्टी कौन पहन सकता है, कोई भी नहीं पहन सकता. लाइक मैं अगर कहीं भी पहन के जाऊंगी तो एनी वन वुड स्पॉट इट कि ये लेस उल्टी लगी हुई है, तो आप ये कैसी बात कर रहे हैं. स्टिल उन्होंने बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो करने के बाद लाइक ही मैनेज टू डू इट फॉर मी, ही ऑल्टर्ड इट. लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू कि जो लोकल टेलर्स वाला जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं फॉर अ कन्वीनियंट एक्सपीरियंस, यू कैन गो फॉर डर्जीज और पीके, बट पहले आप एक दफ़ा उनसे एक स्टिच करा के एक्सपीरियंस कर लें, so that you get a better idea that how does it suit you, आपका local tailor बेहतर सी रहा है या आपको वहाँ उस experience पे कोई issue नहीं है. तो but I really like this dress, right? Loved it. So that was all for today. Thank you so much for such lovely feedback. मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये dress कैसा लगा. So keep watching and stay connected. Allah Hafiz.